कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर से कर रहे हैं। खबर यह है कि सचिन पायलट ने अब सियासी संकेत देने शुरू कर दिए हैं। सचिन पायलट का सियासी संकेत क्या कहता है, राजस्थान कांग्रेस में कैसे हलचल मच रही है और गहलोत समर्थकों ने खामोशी क्यों ले रखी है, आज तमाम बातें आपको बताएंगे, तमाम खबरें आपको बताएंगे। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि सचिन पायलट के सियासी संकेत मिलते ही राजस्थान कांग्रेस में किस तरह हड़कंप मचा है, गहलोत के समर्थकों के होश उड़े हैं और गहलोत के समर्थक और मंत्रियों ने चुप्पी साध ली है। दरअसल अगर बात करें तो सचिन पायलट बीते कुछ समय पहले कर्नाटक गए थे। कर्नाटक में उन्होंने खुलकर ये बात कहा था, उन्होंने अपनी बात रखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजस्थान कांग्रेस में जो स्थिति चल रही है वो स्थिति काफी ज्यादा अलग तो है ही, लेकिन उन्हें पार्टी आलाकमान पर पूरा भरोसा है और पार्टी आलाकमान किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी किसी का पक्षपात नहीं करती। उन्होंने ये तक कह दिया था कि मौजूदा स्थिति जो है वो ये बात देखकर खुश है कि सोनिया गांधी जो है यानी पार्टी आलाकमान जो है वो काफी हद तक कुछ ऐसे कदम उठा रही है जिससे वो खुश है। यानी कि ये कहा जाए तो सचिन पायलट ने ये कहकर ये बता दिया कि सोनिया गांधी का साथ अब सचिन पायलट को मिल रहा है। सोनिया गांधी ये समझ रही है कि गहलोत के मुकाबले सचिन पायलट काफी ज्यादा मजबूत है। अगर देखा जाए तो गहलोत की राजनीतिक स्थिति इतनी पकड़ नहीं है, इतनी मजबूत नहीं है जितनी सचिन पायलट की है, और अचानक सोनिया गांधी ने यूटर्न लिया है, या कहें कि सोनिया गांधी को यूटर्न लेना पड़ा। तभी तो देखिए, अगर बात करें अजय माकन की, अजय माकन को राजस्थान भेजा गया, राजस्थान कांग्रेस में जब गए, राजस्थान जब गए तो वहां पर अजय माकन ने विधायकों के साथ बैठक की, उन्होंने मंत्रियों के कामकाज का ब्यौरा देखा, इसके साथ ही साथ एक रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट में अजय माकन ने जो बातें कही, जो बातें उन्होंने दिखाई, इससे सोनिया गांधी ये समझ चुकी हैं कि अगर सचिन पायलट को आगे बढ़ाया नहीं गया, सचिन पायलट का साथ नहीं दिया गया, तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि सचिन पायलट जिस कदर मजबूत हो चुके हैं वो कभी भी पार्टी से अलग होते हैं तो गहलोत की कुर्सी गिर जाएगी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिरे, सोनिया ऐसा कतई नहीं चाहेंगी। इसके लिए अगर उन्हें सचिन पायलट को मुख्यमंत्री भी बनाना पड़ता है तो शायद वो बनाएंगी, क्योंकि सोनिया गांधी के सामने इस वक्त ज्यादा ऑप्शन नहीं है। सोनिया गांधी के सामने इस वक्त जो है बहुत बड़ी मुश्किलें, क्योंकि अगर कहा जाए तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, अगर कुएं की तरफ जाते हैं तो भी डर है और खाई की तरफ जाएंगे तो भी डर है, लेकिन सोनिया जो है वो रास्ता चुन रही है कि जिसमें काम भी बन जाए और स्थिति भी ना खराब हो। यानी कि सचिन पायलट के साथ विधायकों की बड़ी संख्या का होना, सचिन पायलट अपने आगामी जन्मदिन के मौके पर सुबह से रात तक पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे, खबरें हैं कि सचिन पायलट अपने जन्मदिन के दिन जो है वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मीटिंग करेंगे, पार्टी विधायकों से मेलजोल बढ़ाएंगे, जिसका साफ मतलब ये देखा जा रहा है कि सचिन पायलट जो है अपने जन्मदिन के मौके पर अपनी स्थिति को इतना मजबूत कर लेना चाहते हैं कि अब उन्हें आगे इस तरह का कदम ना उठाना पड़े। इसीलिए देखा जाए तो सचिन पायलट ने कई बार आनन फानन में राजस्थान के जयपुर का दौरा किया है, जयपुर में कई विधायकों के साथ मीटिंग की, मीटिंग करने के बाद कई बड़े फैसले भी लिए गए। यानी कि अगर कहा जाए तो गहलोत की नाक के नीचे सचिन पायलट अब अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, राजनीतिक पकड़ को मजबूत कर रहे हैं, जिससे गहलोत की नींदें उड़ती दिखाई दे रही है। खैर, वो बात अलग है कि गहलोत सामने कुछ नहीं दिखाना चाहते, गहलोत अंदर से ये भी जानते हैं कि उनके मुकाबले सचिन पायलट की पकड़ मजबूत हो चुकी है, विधायकों की संख्या सचिन के साथ ज्यादा है और सचिन पायलट जो है वो गहलोत की कुर्सी बचा भी सकते हैं, गहलोत की कुर्सी गिरा भी सकते हैं, पूरा खेल कुर्सी का चल रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट को अब मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सचिन पायलट इस मौके के हकदार भी हैं। सचिन पायलट ने पार्टी को मजबूत करने में जो पसीना बहाया है,
जिस तरह सचिन पायलट ने मेहनत की है, जिस तरह रैलियां की हैं, जिस तरह जनता के साथ जुड़े हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़ा है, विधायकों को जोड़ा है, तमाम लोगों को जोड़ा है, तमाम समुदायों को अपने साथ जोड़ा है, ये काम करना गहलोत के बस की बात नहीं थी, ये काम किसी के बस की बात नहीं है। ये काम वही नेता कर सकता है जिसकी राजनीतिक पकड़, जमीनी पकड़ बनी हुई है, और जमीनी पकड़ सचिन पायलट ने बनाई है। सचिन पायलट की अगर बात करते हैं तो सचिन पायलट गुर्जर समुदायों से आते हैं और बहुत बड़ी पकड़ गुर्जर समुदायों में सचिन पायलट की है। तो ये कहा जाए तो एक तरफ जहां गुर्जर समुदायों का समर्थन, गुर्जर समुदाय के लोग सचिन पायलट के साथ खड़े हैं, तो राजस्थान की जो तमाम जनता है, तमाम समुदाय के लोग हैं, वो भी सचिन पायलट के साथ खड़े हुए। यही वजह है कि सचिन पायलट इस वक्त बहुत सोच समझ कर बोल रहे हैं। सचिन पायलट को ये समझ रहे हैं कि उनकी एक बयानबाजी से स्थिति खराब हो सकती है, यानी कि जो हाथ चाबी उनके लगने वाली है, सत्ता की चाबी जो हाथ लगने वाली है, वो दूर जा सकती है। तो सत्ता की चाबी पाने के लिए धैर्य भी रखा जाता है और सत्ता की चाबी पाने के लिए बहुत सोच समझ कर बोला भी जाता है। इसे ही कहते हैं चुनाव की रणनीति। कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा और सहन भी करना पड़ेगा। तो सचिन पायलट यहाँ पर बहुत सारी चीजों को सहन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को ध्यान से देखते हुए काम कर रहे हैं, बहुत संभल कर बयानबाजी कर रहे हैं, बहुत जो है संभल कर स्थितियों को सामना कर रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट ये जानते हैं कि जब वक्त अगर पलटता है तो जो वक्त पलटेगा वो सचिन के समर्थन में होगा। तो यहाँ पर सचिन पायलट कोई भी ऐसी बयानबाजी देकर ना विधायकों को नाराज करना चाहते हैं, ना जनता को नाराज करना चाहते हैं, ना पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को नाराज करना चाहते हैं, और ना ही और लोगों को नाराज करना चाहते हैं। यानी कि अगर कहा जाए तो सचिन पायलट सीएम कुर्सी से ज्यादा दूर नहीं है, और अगर ये दूरी कुछ समय में ही पूरी हो जाती है तो इसका साफ मतलब ये होगा सचिन पायलट जो सपना देख रहे थे, जो चाह वो रख रहे थे वो पूरा हो गया, और जो चाह रहे थे वो उन्हें मिल गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता का झुकाव किस ओर है, जनता क्या चाहती है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। जनता की अगर मैं बात करूं तो जनता का झुकाव भी सचिन पायलट की तरफ है। वो तस्वीरें हमें भूलनी नहीं चाहिए जब सचिन पायलट रैली करते हैं, जब सचिन पायलट भाषण देते हैं, तो कितनी बड़ी संख्या में लोग उनके साथ जुड़ते हैं, लोगों का जुड़ाव उनके साथ हो जाता है, लोग बहुत बड़ी तादाद में उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, युवा बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं तमाम समुदाय के लोग, सभी लोग आकर सचिन पायलट का भाषण सुनते हैं, सचिन पायलट की रैली में शामिल होते हैं। इसे कहते हैं एक नेता के प्रति प्यार, इसे कहते हैं एक नेता के प्रति सम्मान, इसे कहते हैं एक नेता के प्रति लगाव, और ये लगाव सचिन पायलट के प्रति है। यानी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं राजस्थान की जनता भी। ये तय करना है सोनिया गांधी को कि क्या स्थिति आगे रहेगी और किस तरह से वो कदम उठाती है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।